प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम अपना 19वां पाठ मुहावरे पढ़ने जा रहे हैं। तो ये मुहावरे होते क्या हैं? मुहावरे असल में भाषा को आकर्षक बनाने का एक तरीका होता है। सबसे पहले हम कैसे इसका अर्थ समझते हैं, मुहावरे होते क्या हैं, तो इसके लिए एक उदाहरण आपको देते हैं। जैसे सिपाही, चोर ने सिपाही को धोखा दिया, चोर ने सिपाही को धोखा दिया, तो यहाँ पे हम धोखा दिया की जगह क्या लिख सकते हैं, चोर ने सिपाही की आंख में धूल झोंक दी। तो धूल झोंकना का है अर्थ धोखा देना। तो हमने देखा जो वास्तविक अर्थ न देकर जो मुहावरे होते हैं, वह वास्तविक अर्थ न देकर कोई खास अर्थ देते हैं। जैसे आंख में धूल झोंकी, इसका अर्थ है, वास्तविक अर्थ क्या है, धोखा देना। उसी तरह खाट पर पड़ते ही राकेश को नींद आ गई, खाट पर पड़ते ही राकेश को नींद आ गई, तो खाट पर, इसका मुहावरे में अगर हम इसको बदलेंगे तो लिखेंगे, खाट पर पड़ते ही राकेश की आंख लग गई। तो आंख लगना नींद आने के लिए, तो आंख लगना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है नींद आ जाना। तो हमने क्या देखा कि शाब्दिक अर्थ, जो शब्द का अर्थ होता है, उससे अलग हट के अर्थ देते हैं मुहावरे। तो मुहावरों की क्या खास पहचान होती है कि जो शाब्दिक अर्थ, किसी शब्द का जो अर्थ होता है, उससे हट करके अलग अर्थ होता है इनका। और जैसे कि मैंने अभी बताया ही था आपको, इसका प्रयोग हम भाषा को आकर्षक बनाने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं कि भाषा आकर्षक बन जाए। अब आगे चलते हैं। तो आज हमने अभी दो मुहावरे सीखे थे, एक था आंखों में धूल झोंकना, ये मुहावरा है, और इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ भी हमें बहुत जरूरी पता होना चाहिए। अगर हम अर्थ नहीं बता पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, तो हम उसका सही प्रयोग भी नहीं कर पाए। तो आंखों में धूल झोंकना का अर्थ होता है धोखा देना। उसी प्रकार आंख लग गई, आंख लग गई, इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ तो कुछ और है, आंख लग सकती है नहीं, लेकिन इसका अर्थ होता है नींद आ जाने को कहते हैं आंख लग गई। तो इसका परिभाषा के अनुसार हम कहें, जब कोई शब्द समूह, ये वाक्य नहीं है, एक और बात मैं फिर से बता देता हूं, ये जो मुहावरे होते हैं शब्दों का समूह होता है, ये वाक्य नहीं होते। तो जब कोई शब्दों का समूह कोई विशेष अर्थ प्रकट करे, उसे मुहावरा कहते हैं। तो जब शब्दों का समूह कोई विशेष अर्थ प्रकट करे, तो उसे मुहावरा कहते हैं। और मैंने इसका लाभ बताया था, इसका उपयोग क्या बताया था, ये भाषा को आकर्षक करने के लिए किया जाता है। इससे भाषा आकर्षक हो जाती है, पढ़ने वाले पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। और तो हम शुरू करते हैं, पहले परिभाषा से ही शुरू करेंगे। तो पहले लिखेंगे परिभाषा मुहावरे। परिभाषा हमारी परिभाषा है कि जब कोई शब्द समूह, जब कोई शब्द समूह, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वाक्य नहीं होते, एक शब्दों का समूह होता है, जब कोई शब्द समूह विशेष अर्थ, यहां पर विशेष अर्थ का क्या है मतलब, मैंने बताया आपको, विशेष जो कि शाब्दिक अर्थ की बात नहीं कर रहे, जब विशेष अर्थ प्रकट करे, प्रकट करे
मुहावरा कहते हैं, तो इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि कोई वाक्य नहीं होते, मुहावरे कोई वाक्य नहीं है, ये है शब्दों का समूह, और ये शब्दों का समूह कोई खास अर्थ प्रकट करता है, तो शाब्दिक अर्थ नहीं। यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि आंख लग गई, तो आंख लगाना मतलब, आंख लगना मतलब होता है नींद आ जाना, तो इसका खास अर्थ होता है। हम कहीं भी किसी भी मुहावरे का ऐसे नहीं प्रयोग कर सकते, जहां तक ये नींद आने की का प्रश्न है, तो हम आंख लगना ही उसके लिए मुहावरा है, नींद आ जाना का अर्थ होता है मुहावरे के दृष्टि से आंख लग जाना। तो ये थी हमारी परिभाषा। अब है मुख्य है इसका अभ्यास। सबसे पहले हर मुहावरे का अर्थ हमें पता होना चाहिए, और केवल अर्थ पता होने से नहीं, उसका वाक्य में प्रयोग भी हमें आना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है, अगर हमने कोई मुहावरा याद किया है और उसका अर्थ नहीं जानते हैं, तो हम उसका प्रयोग कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें मुहावरा उसको याद करना है, उसके अर्थ को भी याद करना है, और उसका प्रयोग वाक्य में, ये तीनों बहुत जरूरी है। अगर केवल अर्थ हमें पता है, केवल मुहावरा हमें पता है, तो काम नहीं चलेगा, हमें उसका सही प्रयोग भी आना चाहिए। तो ये तीनों चीज बहुत जरूरी है ना। अगर हमें केवल मुहावरा पता है, उसका अर्थ नहीं पता है, तो हम उसका वाक्य में प्रयोग कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हम जो कुछ मुहावरे दिए हुए हैं उन्हें हम पढ़ते हैं और उसका अर्थ लिखेंगे, और उसका वाक्य अलग अलग प्रकार के वाक्य बनाना सीखेंगे। ये है आज का हमारा मुख्य कार्य। हमने परिभाषा लिख दी है, जब कोई शब्द समूह विशेष अर्थ प्रकट करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। एक उदाहरण भी इसका लिख देते हैं, जब हमने परिभाषा लिखा है तो एक उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण में हमने अभी जैसे बताया था, आंख लग जाना, आंख लग जाना, आंख लग जाना का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है नींद आना, नींद आना, नींद आंख लग जाना का अर्थ होता है नींद आना। तो इस पे जरा ध्यान से देखिएगा, नींद आना तो मुहावरा है, आंख लग जाना अर्थ, तो ये इसको मैं मुहावरा लिख भी देता हूं, ये मुहावरा है, एक वचन में मुहावरा कहा जाता है, जब एक से अधिक होते हैं तो मुहावरे कहलाता है, बहुवचन मुहावरे, अगर एक मुहावरे का तो मुहावरा, और इसका अर्थ हमारा आंख लग जाना मुहावरा है, नींद आना उसका अर्थ। तो अब हमने परिभाषा कर ली, जब कोई शब्द समूह विशेष अर्थ प्रकट करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। उदाहरण, आंख लग जाना का अर्थ होता है नींद आना। अब हम अपने जो सूची दे रखी है मुहावरों की, उनके अर्थ की, और हम उसके वाक्य में प्रयोग करके इसका उपयोग भी सीखें। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया ही था, बिना अर्थ के, बिना प्रयोग के मुहावरा हम नहीं सीख सकते। तो सूची हम लोग पहले लिखते हैं, मुहावरा उसका अर्थ। तो पहला हमारा रहेगा मुहावरे लिखेंगे हम, मुहावरे और
उनका अर्थ भी बहुत जरूरी है। उसके बाद हम उनके वाक्य में आपको अलग अलग प्रयोग सिखाएंगे। तो पहला है अंग अंग टूटना, अंग अंग टूटना। अंग अंग टूटना और है अधिक थकान होना, अधिक थकान होना। तो अंग अंग टूटना, जैसे कि अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं, क्या अंग अंग शरीर के अंग टूटते हैं? नहीं, लेकिन इसका अर्थ होता है अधिक थकान होना। इसका अर्थ क्या होता है? अधिक परिश्रम के कारण रवि का अंग अंग टूट गया। इसका मतलब उसे बहुत अधिक थकान हो गई। खिलाड़ियों का अभ्यास के बाद अंग अंग टूट गया, तो इसका अर्थ है खिलाड़ियों ने थकान महसूस की। तो जो शाब्दिक अर्थ है उससे अलग हट के अर्थ है अंग अंग टूटना। यहाँ पे अंगों के टूट के गिरने की बात नहीं कही गई है, ये मुहावरा है। इसका अर्थ होता है अधिक थकान होना। तो परिश्रम के बाद, दौड़ धूप के बाद हम ऐसे वाक्य कह सकते हैं आम अपनी बोलचाल की भाषा में भी। जैसे आपने किसी दिन बहुत अधिक काम किया हो, बहुत दौड़ धूप की हो, तो आप कह सकते हो कि अरे आज तो मेरा अंग अंग टूट रहा है। तो इसका अर्थ है आपको बहुत अधिक थकान हो गई। तो इसका हम हमेशा ध्यान रखेंगे, मुहावरे का सही जगह पे ही प्रयोग करना चाहिए। जहाँ पे थकान संबंधित बात है वहीं पे इसका अंग अंग टूटने का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है हमारे पास आँख दिखाना। आँख पे बहुत सारी मुहावरे बने हुए, जैसे अभी हमने देखा था आँख लग जाना, आँख में धूल झोंकना, आँख दिखाना, आँख का तारा, ऐसे ऐसे बहुत से आपको आँख पे मुहावरे मिलेंगे। तो हम शुरू करते हैं, हमारा दूसरा मुहावरा इसी पे है, आँख दिखाना। आंख दिखाना, इसका अर्थ होता है गुस्सा करना। हाँ, तो आंख दिखाने का ये नहीं कि हम कहीं चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास जाके अपने आंख की जांच करवा रहे हैं। आंख दिखाना एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है गुस्सा करना। तो हमने फिर देखा कि मुहावरे का शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, उसका कोई विशेष या खास अर्थ होता है। तो आंख दिखाना का अर्थ होता है गुस्सा करना। तो शाम को देर से घर आने पर माँ ने मुझे आंख दिखाई, पिता ने मुझे आंख दिखाई, तो ऐसे हमें शब्द वाक्यों में ही प्रयोग करना पड़ेगा, गुस्सा करने के लिए आएगा। या फिर मैं तुमसे नहीं डरता, तो मुझे व्यर्थ में आंख दिखा रहे हो, तो ऐसे भी हम वाक्य बना सकते हैं। तो मुहावरे का मुख्य क्या उद्देश्य होता है कि भाषा को आकर्षक बनाने का। अगर गुस्सा गुस्सा करना की जगह आंख दिखाने से भाषा आकर्षक हो जाती। मुहावरों का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि वह भाषा को आकर्षक बनाता है। तो कवियों लेखकों को नए नए शब्द मिलते हैं, मुहावरे भाषा को आकर्षक बनाते हैं। पढ़ने वाले को भी, जो लेख हो, कहानी हो, रोचक लिखन हो जाती है। और रोचक चीज़ें किसे पसंद नहीं।
तो भाषा को भी रोचक और आकर्षक किया जा सकता है इन मुहावरों की मदद से। लेकिन अगर आप मुहावरों को नहीं जानते हैं उनका अर्थ, तो आपको शायद उतना वो रोचकता नहीं मिलेगी, क्योंकि वही व्यक्ति मुहावरों का आनंद ले सकता है जिसे अर्थ पता, नहीं तो उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तो शाब्दिक अर्थ होते नहीं हैं। मुहावरे जो होते हैं वो शाब्दिक अर्थ नहीं होते। अगर आपको कोई मुहावरा पता है, किसी पाठ में आया है, और आपको उसका अर्थ नहीं पता है, तो आपके लिए ये दुविधा की बात हो जाएगी कि इसमें क्या जो लेखक है वह क्या कहना चाह रहा है। इसीलिए जब भी मुहावरे की बात की जाती है उसका अर्थ जरूर बताया जाता है। हमने शब्दार्थ में भी किए थे कि अगर शब्दार्थ में भी पाठ के हम शब्दार्थों में भी मुहावरे कर रहे हैं, आपको पता ही है शब्दार्थ और मुहावरे दोनों साथ ही साथ दिए गए थे। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा वाला था हमारा, हमने दो कर ली, अब तीसरे वाले पे चलते हैं। आग बरसना, आग बरसना, पानी बरसना तो हम लोग जानते हैं, बरसात में पानी बरसता है, लेकिन आग बरसना एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है तेज धूप पड़ना, तेज धूप पड़ना। आग बरसना का अर्थ होता है तेज धूप पड़ना। तो जैसा कि हम देखते हैं गर्मियों में, मई या जून के महीने की बात करें, उस समय सड़कें तपने लगती हैं, बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, तो हम कह सकते हैं कि सूरज आग बरस रहा है या आसमान से आग बरस रही है, ऐसी चीजें कही जाती हैं। तो इसका अर्थ होता है तेज धूप पड़ना। तो इसके हम वाक्य बनाते हैं। आग बरसना मुहावरा है, अर्थ है तेज धूप पड़ना। तो इसका वाक्य बनाते हैं। जून के महीने में तो आसमान से आग बरसती है। जून के, मई जून के महीने में आसमान से आग बरसती है। या फिर बाहर मत निकलो, सूरज आग बरसता बाहर मत निकलो, सूरज आग बरसा रहा है, मतलब बहुत तेज धूप पड़ रही है। तो ऐसे इस तरह के वाक्य हम बना सकते हैं। अर्थ याद रखना, आग बरसना, तेज धूप पड़ना। अगला है आसमान सिर पर उठाना, आसमान आसमान सिर पर उठाना, सिर पर उठाना। इसका अर्थ होता है खूब शोर करना, जैसे कि कहते हैं बच्चों ने आसमान सर पर उठा रखा। तो क्या सर आसमान को उठाया जा सकता है? नहीं, ये तो संभव ही नहीं। इसका अर्थ होता है खूब शोर करना, जैसे बच्चों ने कक्षा में आसमान सर पर उठाया हुआ, मतलब बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं। तो पहले अर्थ लिख लेते हैं, इसका अर्थ होता है खूब शोर करना या बहुत शोर करना, खूब शोर करना, खूब शोर करना। तो मैंने आपको जैसे बताया था, जैसे अरे चिड़िया घर में तो पक्षियों ने आसमान सर पर उठाया हुआ है, मतलब ये बहुत शोर कर रहे हैं। कक्षा में बच्चों ने आसमान सर पर उठाया हुआ है, या फिर शिक्षक के बाहर निकलते ही कक्षा में बच्चों ने
आसमान को सर पर उठा लिया है। तो उठाना उठाया, इसका जो क्रिया जो है वो वाक्य के अनुसार बदल जाती है। आपने गौर किया हो, आंख दिखाना, देर घर पर, घर देर आने पर पिताजी ने मुझे आंख दिखाया, यहां पे लिखा है दिखाना और हम वाक्य में बना रहे हैं दिखाया। तो इसमें ये वाक्य के अनुसार इसमें क्रिया में और एक मुहावरे में के जो क्रिया में उसमें बदलाव आ सकता है और ये सामान्य चीज, ये गलती में नहीं आता। जैसे आसमान सिर पर उठाना, उठाना जो है अब हम वाक्य में कर रहे हैं इसका, तो देखिएगा इसमें बदलाव आ जाए, इसमें जो कि मुहावरे का जो क्रिया है वो वाक्य में कैसे बदल जाती है, वाक्य के अनुसार हमें बदलना पड़ता है और ये सामान्य है, इसको गलती नहीं कहा जाता। ये मत सोचना कि हमने हूबहू नहीं बदला है। जैसे इसका मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, आसमान सिर पर उठाना, शिक्षक के जाते ही बच्चों ने कक्षा को, बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया है, उठाना नहीं है उठा लिया है, तो उठाना उठा में बदल गया। तो वाक्य के अनुसार इसमें परिवर्तन आता है और ये सामान्य है, इसको हम गलती में नहीं कहेंगे। और अभी आपको हर वाक्य उदाहरण में लगभग ये बदलाव देखने को मिलेगा। अब अपने पांचवें मुहावरे पे चलते हैं, कान भरना। अगला है हमारा त्रिमण, कान भरना। तो शाब्दिक अर्थ तो अलग है, क्या कान को भरा जा सकता है? नहीं भरा जा सकता। इसका अर्थ होता है चुगली करना। आप देखते हैं कई लोग आपके पीठ पीछे कान भरने का काम करते हैं, ये चुगली करने को कान भरना मुहावरे में कहा जाता है। तो चुगली करना अर्थ पहले हम याद कर लें, चुगली करना। तो चुगली क्या होती है? किसी व्यक्ति के सामने किसी व्यक्ति की जो बुराइयां होती हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति के को बताई जाती है, पी उस व्यक्ति के प्रत्यक्ष रूप में सामने न रहने पर, मतलब पीठ पीछे। तो कान भरना का अर्थ होता है चुगली करना। तो हम कहते हैं जैसे रमेश को कान भरने की आदत है, मतलब रमेश चुगली करता है। या फिर हम एक और वाक्य बना सकते हैं कि कान भरना एक बुरी आदत है, कान भरना एक बुरी आदत है। इस तरह से भी वाक्य बनाया जा सकता है। अर्थ बहुत जरूरी है, आपको अर्थ याद रखने ही होंगे। तो ये हमने अभी आज पांच किए हैं, एक बार उसके अर्थ को दोहरा लेते हैं। और वाक्य तो आप अपने अनुसार बनाएंगे, जैसे हमने अभी आज बताया अंग अंग टूटना, इसका अर्थ होता है अधिक थकान होना, आंख दिखाना, गुस्सा करना। और एक बार से आपने देखा ये वाक्य नहीं, ये वाक्यों का और ये शब्दों का समूह है, इसीलिए हम कभी यहाँ पूर्ण विराम नहीं डालते। तो मुहावरे शब्दों का समूह होता है, क्या होता है? शब्द समूह कह सकते हैं या शब्दों का समूह कहते हैं, और उनका खास अर्थ होता है। हमने देखा कि जो अर्थ है उससे हटके अलग अलग अर्थ होता है। अंग अंग टूटना, अंग कभी टूटते ही नहीं हमें पता है, और इसको थकान के लिए आंख दिखाना, यहाँ पे कोई चिकित्सक को आंख की जांच के लिए नहीं कहा जा रहा है, आंख दिखाना का अर्थ होता है गुस्सा करना। तो शाब्दिक अर्थ ना होकर, जिस शब्द शाब्दिक अर्थ जो शब्द है उसका अर्थ ना होकर कोई खास अर्थ प्रकट किया जाए उसे मुहावरा कहते हैं। तो इसीलिए मुहावरा जब भी है उसको अर्थों के साथ हम याद करना चाहिए, नहीं तो अगर ये अगर आप मुहावरों को याद नहीं करेंगे और पाठ में आ जाते हैं तो आप निश्चित ही आप इसका नहीं समझ पाएंगे, इसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो शाब्दिक अर्थ नहीं होता। उनका शाब्दिक अर्थ से हट करके अलग अर्थ होता है। तो ये था हमारा, हम कहेंगे 19वां
पाठ के हमने पांच मुहावरे किए, अब आगे चलते हैं। अब छठा मुहावरा हम करते हैं, तो इनको लिख करके याद करिए, खासकर अर्थ। अर्थ पढ़ने से याद नहीं होगा, इसको लिख करके याद करेंगे, उसके बाद वाक्य बनाना बहुत आसान है। जब अगर आपको अर्थ पता चल गया तो वाक्य बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम मैं अपना छठा मुहावरा लिखता हूँ, कौड़ी कौड़ी जोड़ लो, कौड़ी कौड़ी जोड़ना, अर्थ होता है थोड़ा थोड़ा करके जोड़ना, थोड़ा थोड़ा करके जोड़ना। जैसे पिताजी ने कौड़ी कौड़ी जोड़कर यह मकान बनवाया है, या फिर मतलब थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके। कौड़ी असल में क्या है, कौड़ी बहुत कम पैसे को कौड़ियाँ कहा जाता था, तो कौड़ी कौड़ी जोड़ना इसका अर्थ है थोड़ा थोड़ा करके जोड़ना, या धन की बात में ही कहा जाता है। कौड़ी कौड़ी जोड़कर माधव ने कोठी बना ली, मतलब जरा जरा धन इकट्ठा किया और फिर उससे कोठी बनाई। तो कौड़ी कौड़ी जोड़ना का अर्थ होता है थोड़ा थोड़ा धन जोड़ना, थोड़ा थोड़ा करके जोड़ना, दोनों ही सही, और ये पैसे के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा सातवां, खून पसीना एक करना, खून और पसीना एक करना सातवां है। खून पसीना एक करना, इसका अर्थ होता है मेहनत करना या कड़ी मेहनत करना, बातें की मेहनत हम इसका है। छात्र खून पसीना एक करके सफलता हासिल करते हैं, या फिर ऐसे ही एक अच्छा खिलाड़ी खून पसीना एक करके सफल होता है। तो यह मेहनत करने के लिए है, खून पसीना एक कर देना इसका अर्थ होता है मेहनत करना या परिश्रम करना। तो खून पसीना एक करके रवि ने परीक्षा में सफलता पाई, या फिर खून पसीना एक कर महेश ने खेल में पदक पाया, तो इसका अर्थ है परिश्रम करना। खून पसीना एक करना अर्थ होता है परिश्रम करना। तो इसमें जरा देखिएगा, जैसे मैंने बताया कैसे बदलाव आ जाता है वाक्य में प्रयोग करते समय। मुहावरा है खून पसीना एक करना, लेकिन हमारा वाक्य क्या है, खून पसीना एक करके हरीश ने सफलता पाई, तो यहाँ पे करके, तो करना किसमें बदल गया, करके, और ये सही है। तो मुहावरे में हल्का बदलाव आता है, वाक्य के क्रिया के अनुसार उसमें बदलाव जायज है और उसे गलत नहीं कहा जाता है। इसे आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो बदलाव होता है मुहावरे में वो वाक्य के अनुसार कुछ बदलाव किया जा सकता है। तो बच्चों आज हमारा यही है गृह कार्य आप लोगों के लिए, कि अब तक इस पाठ के सभी मुहावरों को आपको पढ़ना है और अर्थ याद करना है, क्योंकि बिना अर्थ के तो हम इसका वाक्य में प्रयोग ही नहीं कर सकते।
तो आज के लिए बस इतना ही, शेष हम कल करेंगे।